Hey guys, welcome back to my new vlog. और मैं आ चुका हूँ कोलकाता का सबसे पुराना रेस्टोरेंट जो कि पीटर कैट, और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1960s में। और मैं आपको बता देता हूँ जो कि कोलकाता का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है, तो ये चेक करो, ये है पीटर कैट। और आज का ये ब्लॉग होने वाला है कोलकाता का ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट में, क्या खाना भी उतना ही टेस्टी है अभी। तो चलो गाइस, जस्ट अभी मैं आया और आने के बाद मैंने जैसे भी ऑर्डर दिया है यहाँ का ऑथेंटिक जो कि है सेलो कबाब। और लेट्स सी गाइस कैसा है। नहीं, मैंने फोटोज़ एंड वीडियोस में देखा है और मुझे पता नहीं खाने में कितना टेस्टी है, बट सच बताऊँ रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है अंदर से, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा देखने में। तो मैं अभी जस्ट वेट कर रहा हूँ खाने का, खाना आते ही मैं आप लोग बताता हूँ एक्चुअली में वो क्या है। सो गाइस फाइनली हमारा आ चुका है ये सेलो कबाब। तो चलो मैं गाइस ट्राई करता हूँ सेलो कबाब, और फिर ये चेक कर सकते हो इसमें काफ़ी बटर और कबाब और इसमें स्टीम राइस भी दिया गया है। तो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेट्स सी कैसा टेस्टी है। टेस्टी, तो मैं बता दे रहा हूँ राइस में बटर दिया गया है, चेक कर सकते हैं राइस में बटर दिया गया, देखते हैं राइस। ये नॉर्मल राइस है और ये कबाब दिया गया, खाने में बहुत टेस्टी। सो गाइस जस्ट मेरा खाना कंप्लीट हो गया, और मैं सच बताऊँ तो मैंने ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ जो कि यहाँ का ऑथेंटिक सिग्नेचर डिश था सेलो कबाब, तो मैंने वो जस्ट खाया अभी। और सच बताऊँ खा कर मज़ा भी आया, क्योंकि यूनिक डिश था, कबाब के संग राइस था और एक अंडा पोच देखिए और 4 क्यूब बटर का, तो अच्छा लगा मुझे खा के, क्योंकि मैं तो रेगुलरली नान बटर खाता रहता हूँ और चिकन विकन खाते रहता हूँ, तो ये चीज़ कुछ मेरे लिए अलग था, नया था, तो बहुत ही टेस्टी भी था, मज़ा आ गया खा के। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा ये ब्लॉग। और मैं आपको प्राइस बता देता हूँ मुझे कितना पड़ा ये सेलो कबाब का, मेरे को पड़ा 505 रुपया। तो 505 रुपया में आपका पेट भर जाएगा खा के। तो ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताना कि और मैं क्या कर सकता हूँ आप लोग के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।